नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री और आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपकी हाथ के बारे में। ये 40 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनके हाथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनके पास जो कनिष्ठा उंगली है वो सूर्य के प्रथम पर्व से काफ़ी नीचे रह गई है। और साथ ही साथ नीचे रहने से कोई बड़ी बात खराब नहीं होती है, यदि मैं नीचे रह जाती है तो व्यक्ति बस थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाता है अपने कामों में। तो यहाँ व्यापार के अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी करना अब व्यक्ति के यश में कमी लाएगा, ये जो गैप है। तो आप अपने काम को जब भी करें बड़े धैर्य से करें, बड़ा सोच समझ कर करें, किसी से विचार विमर्श करके करें तो आपके लिए बड़े फैसलों में ज़्यादा, ये बड़े फैसलों के लिए बात होती है। तो बड़े फैसलों में ज़रूर आप विचार विमर्श करके फैसला लीजिए, बस नहीं तो आपको जल्दबाजी करने के कारण नुकसान हो सकता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के सही है, व्यापारी की उंगली भी यहाँ पर नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली है आपकी और सूर्य की उंगली बिल्कुल पहुँच गई है शनि के पर्व से ऊपर। जब जब इस तरह की उंगली पहुँच जाती है तो यहाँ पर इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है लेकिन जीवन के अंतिम चरण में उसको ज़्यादा सफलता मिलती है। तो यहाँ मिलने वाली ये सूर्य की उंगली की जो हाइट है, जो लंबाई है, जो मजबूती है, जो इसका कुल गठबंधन है नीचे उंगलियों के साथ में जोड़ से, तो वो इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अपने इरादे का पक्का होता है और वो जब तक मेहनत करता रहता है जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इच्छाएं पूरी करने के लिए जो उंगली चाहिए वो वाली इच्छाएं आपके पास यहाँ पर ये दिखाई देती है। अब आइए शनि की उंगली की बात कर लें। बिल्कुल सीधी शनि की उंगली इस बात को दर्शाती है कि आपके जीने में, जीवन में जब भी शनि की ढैया आएगी, शनि की साढ़े साथी आएगी, शनि की महादशा आएगी। हालाँकि आपके पास जन्म पत्री नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब जब ये स्थितियाँ आएंगी तो आपको जीवन के अंदर कभी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपने आप में बलिष्ठ उंगली है जो आपको धन के आगमन भी बनाए रखती है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और ये बृहस्पति की उंगली भी यहाँ पहुँच गई है ठीक ठीक पर्व के हिसाब से, बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी हुई है, शनि की उंगली के साथ चुपकी हुई है। धन कमाने की आदमी के अंदर इच्छा होती है और साथ ही साथ सद्बुद्धि पूर्वक सही तरीके से व्यक्ति धन कमाता है, यानी काले धन की बात नहीं कर रहा, स्वच्छ धनी व्यक्ति कमाता है। अब बात कर लेते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत है और बुध पर्वत थोड़ा सा पीछे से दबा हुआ और आगे से उठा हुआ। जब जब ये स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं, धन के आगमन जाते रहते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं ये कह सकूँ कि ऐसा व्यक्ति रिसर्च सेंटर में चला जाए या बहुत ज़्यादा कोई ऐसे बुद्धि के गणितज्ञ लगाए कि जिसके हिसाब से धन कमाए। तो यहाँ कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो अपने आप में धन का आगमन और धन का इन्वेस्टमेंट लगातार बनने वाली स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। आगे बात करते थे आपके सूर्य पर्व की। ये सूर्य पर्व और सूर्य पर्व यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो ये छोटी छोटी खड़ी हुई रेखाएँ, कोई भी इस प्रकार की रेखा नहीं मिली जिससे मैं ये कह सकूँ कि राज्य सरकार से आदमी को नौकरी मिल जाए या राज्य प्रकार से सरकार से कोई बहुत बड़ा सहयोग मिल जाए, इस तरह का यहाँ पर इंडिकेशंस नहीं है। साथ ही साथ सम्मान व्यक्ति का जिस क्षेत्र में होता है उतने भर क्षेत्र में व्यक्ति का सम्मान रहता है। एक बात कर लेते हैं अगली शनि की पर्वत के। ये शनि का पर्वत, शनि का पर्वत यहाँ पर सामान्य रूप से है और साथ ही साथ एक बेहतरीन रेखा ये खड़ी हुई है। साथ ही साथ छोटी छोटी और भी रेखाएँ हैं लेकिन अपने आप में ये एक रेखा ही बहुत बलवती रेखा है। ये अकेली रेखा 55 साल से लेकर और आजीवन तक आपके पास धन के आगमन बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए रखने में सक्षम है। तो यहाँ बिल्कुल आपके पास धन के आगमन दर्शाने वाली ये होगी। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व की। देखिए बृहस्पति पर्व पर बहुत ज़्यादा रेखाएँ नहीं हैं, इस तरह की रेखाएँ खड़ी होती हैं, खड़ी हुई हैं। जब जब बृहस्पति पर्व पर इस तरह की रेखाएँ खड़ी होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो लग्जरियस जीवन है, यानी अपने जीवन में कई गाड़ियाँ बदल देता है और स्वयं भी अपने आप में एक अच्छा मकान निश्चित रूप से व्यक्ति बना करके रहता है। तो ये भी आपके हाथ में दिखाने वाला इंडिकेशंस यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं आपके पर्वतों की। ये देखिए मंगल पर्वत, मंगल पर्वत
मंगल पर्वत देखें, हाथ में दिखाएं बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा उठा हुआ है। जब जब ये पर्वत इस तरीके से उठा हुआ होता है तो व्यक्ति साहस नहीं छोड़ता, व्यक्ति मेहनत करता रहता है। तो यहाँ पर ये मंगल पर्वत आपका, आपके लिए अनुकूल पर्वत के रूप में खड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। देखिए, दूसरे मंगल पर कोई रेखा नहीं, साहस की कमी नहीं, और चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यापारी के लिए। यदि वो दूर स्थानों से जुड़कर के धन कमाएगा तो चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चंद्र पर्वत पर कोई इस प्रकार की रेखा नज़र नहीं आती कि जिससे मैं ये कह सकूं कि आप दूर स्थानों से जुड़ करके या विदेश से जुड़ करके धन कमा पाएंगे। यहाँ चंद्र पर्वत यदि अनुकूल है, बिल्कुल क्लियर है, तो ये एक बात को बताता है कि व्यक्ति खुश मिजाज किस्म का होता है। साथ ही साथ वो अपने आप में बिल्कुल मानसिक टेंशन से बहुत दूर रहता है, ज़्यादा चिंताओं को अपने पास नहीं रहने देता है, जल में जाकर के, गहरे जल में जाकर के आराम से खेलता है, और साथ ही साथ पानी से उसको डर नहीं लगता है, आत्महत्या जैसे विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आते। तो चलिए, ये आपकी यहाँ चंद्र पर्वत को बताया मैंने। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा की। बेहतरीन मस्तिष्क रेखा और यहाँ मछली का रूप बना करके ये चली है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ऐसे जैसे थोड़ा सा देर से मस्तिष्क रेखा आगे निकली है, तो ऐसा व्यक्ति लगभग लगभग 24 से 25 वर्ष के बाद में ज़्यादा ऊर्जावान बनता है, ज़्यादा अपनी मस्तिष्क रेखा का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ ये रेखा जो है अपने आप में एक अच्छी इंडिकेशंस रेखा है, जो बताती है कि दिमाग में जो विचार हैं वो अच्छे आते हैं और व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा अपने आप में खुद निर्णय लेकर के उसको समर्थित रूप से आगे बढ़ता है। थोड़ा टावर कमजोर था तो मैंने कहा बड़े फैसले व्यक्ति दूसरों से पूछ करके ले। आइए, आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई। अब मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और जो आपके थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ तो यहाँ आपकी जीवन रेखा से भी मिली हुई है, यानी कुछ परिवार से सहयोग और भाग्य रेखा चल पड़ी ये सीधी सीधी, और जा करके 35वें वर्ष तक यदि मैं देखूँ तो 35वें वर्ष तक कोई ज़्यादा आपको उठा पटक का सामना नहीं करना पड़ा होगा। साथ ही साथ जब 35 वर्ष से लेकर के यहाँ ये राहु रेखा काटती है, तो ये 35 से लेकर जो 40 वर्ष का जो समय है, ये आपका जरूर मंदी का दौर रहा होगा। तो यहाँ अभी वर्तमान तक, अगर जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है, तो यहाँ 35 से 40 हो सकता है, बहुत ज़्यादा 40 साल 6 महीने हो जाए या 8 महीने हो जाए, तो यहाँ तक का जो इंडिकेशंस बना हुआ है ये इस समय के दौर में अच्छा नहीं गया होगा। साथ ही साथ यहाँ जो एक परिवर्तन दिखलाई देता है, जब ये इस तरह की राहु रेखा काटती है तो व्यक्ति कभी कभी स्थान परिवर्तन, कभी कभी ठिया परिवर्तन कर देता है, और साथ ही साथ ये एक रेखा बन गई है बेहतरीन रूप से, जो इस बात को दर्शा रही है कि आप अपने जीवन के अंदर, अब जो आपका जीवन हुआ 41 के बाद का, वो बहुत बेहतरीन समय आपका आने वाला है। तो व्यापार आगे 41वें वर्ष से आपका अच्छा रहेगा। आपने पूछा व्यापार कैसा रहेगा, 41 के बाद देखिएगा, अभी तो आपका सामान्य रूप से ही था पिछला। क्या मैं करोड़पति बन पाऊँगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हाथ 1 करोड़ से 4-5 करोड़ तक की हस्ती का बिल्कुल नज़र आता है, आगे भी रेखाएँ बन जाती हैं। चलिए, तो 40 के बाद का जीवन भी बता दिया मैंने आपको। आपने कहा अपना घर कब बनेगा, एक हल्की सी ये इंडिकेशन से रेखा यहाँ पर गई है ये, और इधर ये बन गई है। अभी जब ये रेखा पूरी तरीके से वहाँ जा कर के मिल जाएगी, तो यानी कि ये, इसे कहते हैं कि भाई अपने मन में इरादा करना, कि आपके मन में ये इरादा हो गया कि भाई अब मुझे अपना जीवन में मकान बनाना है, और जैसे ही ये ट्रायंगल पूरी हृदय रेखा से जाके मिल जाएगा, उस साल आपका मकान बन जाएगा। इसको यदि मैं अनुमानित लगाता हूँ तो वर्तमान में नहीं बनी है, लेकिन जब ये रेखा बनती है तो आगे बढ़ती है, मैं कह सकता हूँ कि आपको जीवन के 44 से 45वें वर्ष में निश्चित रूप से आपका मकान भी बन जाएगा। मशरूम के व्यापारी हैं आप, बहुत अच्छी बात है। मंगल पर्वत अनुकूल है, शुक्र पर्वत भी अनुकूल है, तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों से जुड़ करके ही व्यापारी, ये व्यापारी की रेखा है। यहाँ पर आपके हाथ में शायद मंद दिखाई दे रही है, हो सकता है और भी अच्छी हो, ये जितनी अच्छी होगी उतना व्यक्ति को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो व्यापारी की रेखाएँ ऊपर भी हैं, टावर भी ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ स्थिति आपकी आने वाले समय में अनुकूल है। अब बात कर लेते हैं शुक्र पर्व की। ये देखिए, शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा उठा हुआ है,
इतना ज़्यादा शुक्र पर्व का उठना अच्छा नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? ऐसा शुक्र पर्वत जब व्यक्ति के पास होता है तो व्यक्ति कहने का भाई पैसा आया और पैसा आते ही फौरन ठिकाने लगा देता है। यानी आदमी के पास लग्जीरियस जीवन लेने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, इसके कारण आदमी कर्ज से भी नहीं डरता। तो ये इसलिए पर्वत अच्छा अनुकूल नहीं है कि आप इच्छाओं को ज़्यादा जागृत करें, ये ठीक नहीं है। अनुकूल स्थिति के अनुसार आगे बढ़े वही ज़्यादा अच्छा पर्वत कहलाता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इच्छाओं को दर्शाता हुआ कुल मिलाकर के आप कैसे भी चाहे हो लेकिन आप अपना लग्जीरियस जीवन जी ही लेते हैं, इस बात को दर्शाता है। लेकिन कभी कभी जब इतना ज़्यादा उठ जाता है तो व्यक्ति कर्ज भी अपने ऊपर कर लेता है, तो इस चीज़ों से ज़रा सावधान रहें। कुल मिला के आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, उंगलियों को, जो भी चीज़ें हैं मैंने सारी आपकी यहाँ पर पढ़ी हैं और आपको बताई हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की करेंगे। नंबर एक, तो आपको यहाँ क्योंकि आपका व्यवसाय भी मशरूम का भी है तो आप एक इसमें ये फायर ओपल पहन लीजिए, इस वाली फिंगर के अंदर एक बेहतरीन फायर ओपल आप इस वाली फिंगर में पहन लीजिए। आपको उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे सैंपल देख करके ऑनलाइन हम आपको सैंपल दिखला सकते हैं, अगर आप कहोगे तो व्हाट्सएप पर, और आपको पहुंचा भी सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पूजा के अंतर्गत रोज़ाना अपनी पूजा में आपको कोई विशेष भगवान की कृपा से दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अपनी पूजा में आप रोज़ाना संकट मोचन गणेश स्रोत का आप जाप कर लीजिए, पढ़िए आप संकट मोचन गणेश स्रोत रोज़ाना पढ़िए और बाद में हनुमान अष्टक पढ़िए, बस आपके लिए इतना ही बार काफ़ी है, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे।